ऑटो चलोगे क्या? क्या है इतना गला क्यों फाड़ रहे हो? कहाँ जाना है? राम दुर्गा तुम नहीं चलोगे क्या? वो निशान दिख रहा है ना, वो उधर, सीधे चले जाना, राम दुर्गा आ जाएगा। हमें ऑटो से जाना है, तुम नहीं चलोगे? ऑटो तो जाएगा लेकिन तुम वापस नहीं आएगा। तुम्हारी भलाई की कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, तुम लोग राम दुर्गा मत जाओ। एक्सक्यूज मी, कौन है वहाँ पर? क्यों भाई, तुम छोड़ दोगे मैं राम दुर्गा? 500 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें राम दुर्गा पहुँचा दूंगा। हाँ चलो दे देंगे, राम दुर्गा जाना है, राम के पास नहीं। चलो आ जाओ सब लोग। अटारा में जाना पड़ेगा क्या? हर सिटीज बुलाया था, अटार पंचर हो गया। अबे औका देगा तेरी, झगड़ा मत करो, चलो। अब भगवान ही बचाए तुमको, जाओ जाओ स्वाहा हो जाओ। कर भी तू एक शराब की दुकान की तरह है, इज्जत लूटने के बाद भी रोटी की तरह गरम है तू। अरे ओ छमिया, अभी भी तेरा मन नहीं भरा क्या? तेरे साथ मैं प्यार करूं या फिर कुछ और करूं? देखना, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें चीर देगा। तुम लोगों के पास घड़ा भर चुका है, कभी नहीं भरेगा क्योंकि उसमें तो छेद ही छेद है। तुम लोगों के बाप के घर में छेद हो सकते हैं लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे दस सिर वाला रावण भी इसी मिट्टी में समा गया, तुझ जैसे राक्षस भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ए, अगर उस ब्रह्मा ने तुझ जैसे राक्षस को इस दुनिया में भेजा है तो तेरा संहार करने के लिए किसी न किसी को तो भेजा ही होगा और वो आकर रहेगा। बजरंगबली, भगवान के सामने ये सब गलत काम क्यों कर रहे हैं? Yeah!
क्या चाहिए तुझे? भाई भाई क्या हो रहा है? अरे छोड़, क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम ढोल क्यों बजा रहे हो? बंद करो यार, क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाई, अरे भाई, नहीं भाई, रुक जाओ। कौन है बेटा तू? इन्हें क्यों मारा तूने? ओए ये क्या कह रहे हो? मैंने कब मारा इन लोगों को? इन सबको तुम नहीं मारा है। तुम्हें पता है कौन है ये लोग? ये इंसान नहीं, राक्षस है ये। तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस गांव के नहीं हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे अरे मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप ही को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। आपने कहा था ना मेरे जन्म के बारे में कुछ बताएंगे आप? आप क्या जानते हैं मैं कौन हूँ और कौन है मेरे दादाजी? अंजना तने श्री राम दूत संजीवनी ग्रहण लक्ष्मण प्राण दाता लंका दहनकारी श्री मुरारी रत ध्वज सीता प्रहारी सीता शोक विनाश का दैत्य राक्षस संहार का जय बजरंगी। कौन हो जानते हो? तुम्हारी शक्ति तुम्हारा पौरुष कितना है पता है? तुम्हारे दादाजी कौन है तुम जानते हो? तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला रक्त किस वंश का है ये तुम्हें पता है? कौन है रे तेरा भगवान? हमारे भगवान को अगर देतु करके बोलेगा तो तेरी जबान चल जाएगी। तुम जैसे दो चार लोगों की जान बचाने से वो भगवान हो गया क्या? अरे सचमुच के भगवान देख रहा है? उधर देख। ये कोई भगवान नहीं, राक्षस है। अगर हमारा भगवान यहाँ आ गया तो तुम जैसे शैतानों को जमीन तक नसीब नहीं होगी, सांस लेना तक दुश्वार हो जाएगा। बुला तेरे भगवान को, उसे भी देख लूंगा। भगवान को बुला, भगवान को बुला, तब से यही कहे जा रहा है ना? अगर वो सच में यहाँ आ गए तो तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। वो आते हैं तो उनकी आहट से ही पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं। आसमान भी थरथरा उठता है। रोशनी फैलाने वाली सूरज की वो तीसरी आँख है। सूर्य से अपार शक्ति से युक्त चैतन्य नाम की एक किरण उत्पन्न होती है। उस काल में जो जन्म लेता है वज्र शरीर जैसा प्रचंड रहता है, ऐसी दिव्य शक्ति से जन्म लेने वाला ही बजरंगी कहलाता है। बजरंगी वो इस वक्त किसी गर्भ में पल रहा है। संपूर्ण गर्भवती बजरंगी की पत्नी की प्रसूति का समय हो गया है। सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
बाहर शैतान लोग आ गए हैं, मार कर चले गए हैं। क्या होगा भगवान? मार्किन, आप धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। Yeah.